युवा हमारे देश की पोटेंशियल है, तो आप जैसे लोग अगर नंबर कहाँ है, नंबर भी नहीं कहीं, हमारे लिए दुर्भाग्य। देखिए वो गार्जियन है, वो अपने पत्नी को बैठा रखे हैं, बच्चे को बैठा रखे हैं, खुद हेलमेट पहने हैं, लेकिन पीछे मुड़ना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। भाई उनको जरा कैमरे में भी कैद करिए, परिवार कैसे डरा हुआ है, जबकि हम यहाँ सुरक्षा के लिए। आप आइए आइए आइए, आज उनको भी नंबर लगाओ तो एक बार इधर लगा लो, ऐसे लगा लो एक बार इधर। तो आपने देखा कि जैसे वो अपने परिवार को उतार दी है, जो महिला है जो हेलमेट नहीं पहनी थी, उनसे दो बात भी शेयर करेंगे। हेलमेट का पहनोगे बेटा, और ये देखिए सामने ये बच्चे हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट आप अपने बच्चे को, बच्चा अभी नहीं है इसलिए छोटा वाला हेलमेट पहन दिएगा, आप अपनी माँ को हेलमेट पहनाओ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे भारत की सड़कों पर नजर है, पूरा पहनाओ। जो इनके पिता ने गलतियाँ किया, देखिए आप हैं भाई साहब, पता है कुछ महिलाओं की इस वजह से मौत हो रही है, क्योंकि उनके घर वाले लोग ही हेलमेट नहीं पहना रहे हैं। ब्रेक पे हमेशा जाते हैं, अभी आ जाइए, आ जाइए, आपने सब कुछ किया हुआ। अब आगे से मार्केट से जाइएगा तो अपने छोटे बच्चे के लिए हेलमेट खरीदिएगा, इसको अभी से नहीं सिखाएंगे, जब अभी से सिखाएंगे तो तब जाके आदत बनेगी। बच्चा ऐसे इनकी तरह गलतियां करेगा, अभी हम इन्हें भी हेलमेट पहनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, हमारे साथ खड़ा होइए। तो देखिए ये खूबसूरत परिवार है, अगर इनमें से किसी भी ऐसे परिवार का विकेट गिरता है तो इनको भी दर्द होगा, इनको भी होगा, किसी को भी होगा। तो इन्हीं चीज को रोकने के लिए हम जागरूक कर रहे हैं। अब आप किससे, पापा आपको हेलमेट खरीद देंगे या मम्मी खरीदेंगे, कौन देगा बेटा आपको? पापा ने, पापा देंगे ना, आप बोलो पापा मुझे हेलमेट देना, मम्मी से भी बोलो आप। हाँ, तो देखिए स्माइल है, और ये बच्चा इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। अगर अभी से आप बाइक पे इसे भी बैठा के लेकर चलेंगे तभी हमारा भारत दुर्घटना मुक्त बनेगा। और मैं आपको बता दूं, जो 1.5 लाख मौत होती है माता जी, उसमें 50,000 वो बच्चे मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मैंने भी अपने मित्र को खोया था 10 वर्ष पहले, और अपनी बेटी की तस्वीर लेकर के तकिए में सोती रहती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे, भैया आपके ही बेटे हैं ना, तो आप चाहते हैं कि ऐसा कोई दर्द वो चीज़ें हो कल इनके साथ बड़े होकर के? नहीं ना, अब ये होगा ना, हेलमेट इनके लिए आएगा ना, आप दीजिए, बहुत जरूरी है, हम लोग परेशान हो चुके हैं। ताकि गार्जियन, अगर आप दोनों लोग समझेंगे तभी ये हमारे भारत के युवा समझेंगे। चलिए हम प्रणाम करते हैं, सूर्य देव सामने साक्षात हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में हमेशा खुशियां चाह रहे हैं, इसलिए आज देवदूत बन करके हमारे ज्योति प्रकाश जी भी, ये पूरी पुलिस टीम रुकी हुई है ताकि हम परिवार तक जागरूकता दे सकें, और ये सड़क सुरक्षा मंच भी है। ठीक है, चलिए नमस्कार।